चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष और वेटनरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या जा सकती है 21 में इन कोर्सेज की कट ऑफ। एमबीबीएस का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बीडीएस का एक वीडियो और बना दूंगा कि बीडीएस की क्या कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप आयुष वेटनरी या फिर एमबीबीएस बीडीएस किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसने मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि किस प्रकार से आपने काउंसलिंग करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें च्वाइस फिलिंग की लिस्ट भी दी गई है, तो आप उसको देख के च्वाइस फिल भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से च्वाइस फिल करना है। आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो बुक डाउनलोड करने के बाद में हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुष की, जिसमें चार कोर्स आते हैं। यहाँ पर हम ऑल इंडिया कोटा की ही बात करेंगे, स्टेट की बात नहीं करेंगे। ऑल इंडिया कोटा में आयुष की जो काउंसलिंग है वो AACCC द्वारा करवाई जाती है। इसमें चार कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है, आयुर्वेदा, सीधा, यूनानी और होम्योपैथी। ये चार कोर्सेज के लिए इसमें काउंसलिंग होती है। इसमें जो बीएमएस कोर्स है उसकी कट ऑफ देखते हैं हम, तो इन सभी के अंदर दो प्रकार का कोटा होता है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं वो होती है, उसके बाद कुछ एडेड कॉलेज हैं। एडेड कॉलेज की फीस भी कम होती है, गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी ज्यादा होती है। तो हम देख लेते हैं इसकी कट ऑफ। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कोटा की, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ देखते हैं बीएमएस की, ऑल इंडिया कोटा की। तो इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 510 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है इस बार 21 में बीएमएस कोर्स के लिए। गवर्नमेंट कोटा की जो कट ऑफ जाएगी वो 510 जा सकती है। इसमें जो एडेड कोटा है गवर्नमेंट के अंडर जो कॉलेजे हैं उनकी 500 तक कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी की। बात करें हम 390 एससी कैटेगरी की और 380 जा सकती है एडेड में, 380 एससी कैटेगरी की एडेड में जा सकती है। अब यहां पर इस बार जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग, जो न्यू रिजर्वेशन लागू हुआ है इसके अकॉर्डिंग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा भी इसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो ओबीसी के लिए आप 5 मार्क्स कम कर लें, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 से 15 मार्क्स आप कम कर लें जनरल कैटेगरी से। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो बीएमएस के गवर्नमेंट कोटा की जो कॉलेजे हैं उनमें 360 जा सकती है, और एसटी कैटेगरी में ही जो गवर्नमेंट कोटा में एडेड कॉलेज हैं यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ 355 जा सकती है। जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं और इनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी इसकी फीस ज्यादा है। मैं आपको आयुष काउंसलिंग के लिए एक बात और बता दूं, आयुष की काउंसलिंग के लिए 15% कोटा में सभी गवर्नमेंट कॉलेजों की काउंसलिंग करवाई जाती है। बाकी आप स्टेट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज के 15% कोटे के लिए भी इलिजिबल हैं। मतलब यह है कि मान लो आप यूपी के रहने वाले हैं, आप राजस्थान में सीट लेना चाहते हैं तो आयुर्वेद कोर्स के लिए आप राजस्थान के 15% सीटों पर आप इलिजिबल हैं वहां की प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो वो काउंसलिंग स्टेट द्वारा करवाई जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की, ये मैंने बुक में अच्छी तरह से समझा रखा है। उसकी 19 की कट ऑफ भी दी हुई है प्राइवेट कॉलेजों की। अब हम बात करें बीएचएमएस कोर्स यानी जो होम्योपैथी कोर्स है, यूआर कैटेगरी की 445, एससी की 345 और एसटी की 315। ऐसे ही इसी के नियर बाय 1-2 मार्क्स का फर्क रहता है, गवर्नमेंट एडेड कोटा की भी इतनी ही कट ऑफ जाती है। बीएमएस की बात करें तो यूआर कैटेगरी की 440, एससी कैटेगरी की 330, एसटी कैटेगरी की 300 कट ऑफ जा सकती है इस बार। तो ये सारे आयुष के कोर्स हैं, आयुर्वेद, सीधा, यूनानी। जो सीधा कोर्स है वो केरला और तमिलनाडु दो स्टेट में है,
तो ये सीधा कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15% ऑल इंडिया कोटा जो प्राइवेट कॉलेजों में है वहां से आप ले सकते हैं। बाकी ये केरला और तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है गवर्नमेंट में। इसके बाद इसमें आप 15% के अंदर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट कॉलेज में AAACC से काउंसलिंग करवाकर सीधा कोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं बीबीएससी एंड एएच कोर्स की। तो बीबीएससी एंड एएच कोर्स है, ये वेटनरी कोर्स है और इसमें जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग होती है वो वीसीआई द्वारा करवाई जाती है। तो हम यहां इसकी भी कट ऑफ 15% की ही बात करेंगे। स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है तो आप उसमें 20 मार्क्स कम कर लीजिएगा पिछली बार की, अगर कट ऑफ आपको याद है तो। अब हम इसमें बात करते हैं जो बीबीएससी कोर्स है उसके अंदर दो प्रकार की कॉलेजे हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो टोटल 49 कॉलेज हैं और इसमें 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेज हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा है, यानी कि 6 लाख नियर बाई है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यूआर कैटेगरी के लिए 525 मार्क्स पर इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 520 और ईडब्ल्यूएस की 510 पर इसमें सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी 410 मार्क्स और एसटी कैटेगरी 400 मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है इसमें। तो ये 49 कॉलेज हैं जिनकी फीस काफी कम है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंडर जो 5 कॉलेजेज आती हैं, उसमें एक कॉलेज हरियाणा रोहतक की है, दूसरी कॉलेज खालसा वेटनरी कॉलेज है पंजाब की है और 3 कॉलेज इसमें राजस्थान की है, जो अपोलो जयपुर की है, इसके बाद अरावली सीकर का है और महात्मा ज्योतिबा फुले चोमू का है। तो 3 राजस्थान की कॉलेज हैं, 1 पंजाब की कॉलेज है और 1 हरियाणा की कॉलेज है। इसमें जो इसकी कट ऑफ जा सकती है वो गवर्नमेंट कॉलेज से 10 मार्क्स डाउन ही जाती है। तो हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की, तो 515 मार्क्स पर इसकी कट ऑफ जा सकती है, एससी कैटेगरी की 400 पर जा सकती है और एसटी कैटेगरी की 395 कट ऑफ जा सकती है इस साल के लिए 21 के लिए। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है कट ऑफ का। बाकी जो एक्यूरेट रैंक आने पर हम बता पाएंगे कि कौन से कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा सकती है, एक ये रफली आइडिया दिया है मैंने आयुष और वेटनरी का। तो ये कट ऑफ जा सकती है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका और एक अपना आइडिया लगा लें कि आपको कहां तक कॉलेज मिल सकती है। तो ये जानकारी थी वेटनरी आयुष की कट ऑफ के बारे में। बीडीएस की कट ऑफ में जल्द लेकर आऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।